हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है एक और बार प्रयास करना। ऐसा कहना है बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन का, जिन्होंने 1000 से ज्यादा बार की असफलता के बाद बिजली के बल्ब का क्रांतिकारी आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन को बचपन में सनकी और पागल समझा जाता था। बचपन में वह अजीबोगरीब हरकतों के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि एक बार एक चिड़िया को कीड़े मकौड़े खाते देख उन्होंने यह सोचा कि उड़ने के लिए शायद कीड़े खाना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने कुछ कीड़ों को इकट्ठा कर लिया और उसका घोल बनाकर उसे अपने दोस्त को पिला दी। वे देखना चाहते थे कि उनका दोस्त इसके बाद उड़ सकता है या नहीं। बाद में दोस्त बीमार पड़ गया, जिससे उन्हें बहुत डांट सुननी पड़ी थी। स्कूल के दिनों में एडिसन का दिमाग बहुत ही भ्रमित रहता था। वह अपने में ही कहीं खोए हुए रहते थे और टीचर्स की बातों को ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और फिर उनकी मां ने एडिसन को घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। थॉमस अल्वा एडिसन बहुत कम सोते थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने घर में ही एक प्रयोगशाला बनाई और वहीं से उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्हें सनकी और पागल समझा गया, पर लोगों की परवाह किए बिना वे अपने शोध में लगे रहे और देखते ही देखते उन्होंने हजारों असफलताओं के बाद बल्ब का आविष्कार किया और इस दुनिया को रोशनी से चकाचौंध कर दिया, जिसकी वजह से दिन में कामकाजी घंटे बढ़ गए, पढ़ने, काम करने और खेलने के लिए ज्यादा समय मिलने लगा। बल्ब के आविष्कार के अलावा एडिसन ने चलचित्र, टेलीग्राम, माइक्रोफोन जैसी करीब 1040 आविष्कार किए हैं। सारी दुनिया ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना है और इसी वजह से उन्हें जीनियस कहकर बुलाया जाता है। अपनी जबरदस्त कामयाबी के बावजूद एडिसन आम लोगों से जुड़े हुए थे। उन्होंने कभी भी अपने सफलता का घमंड नहीं किया। 1931 में जब उनकी मृत्यु हुई, उस दिन उनके सम्मान में पूरे अमेरिका की रोशनी बंद कर दी गई थी। थॉमस एडिसन का कहना था, अपनी जिंदगी में मैंने एक भी दिन काम नहीं किया। यह सब तो मनोरंजन था। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।